देखो ये बी थी या सी थी, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। इट्स अ वंडरफुल विक्ट्री, आई विल एवरी डे टेक इट। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि बाबर आजम ने अब शायद अफरीदी को भी बता दिया होगा कि ले जनाब अब तो मैंने मैच भी खत्म कर दिया, लेकिन दो रन देके एक विकेट ले गया। भाईजान बात यह है कि जब हार्दिक पांड्या ऑन सॉन्ग होगा तो ये याद रखिए कोई भी इंडिया की टीम का ऑलराउंडर उसके नजदीक नहीं होगा। हाँ इंडिया का नहीं होगा, ये बात आप मैं इंडिया की अभी मैं वर्ल्ड में आ जाता हूँ, वर्ल्ड में भी अगर चार पांच। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पाकिस्तान ने कमाल कर दिया भाई, इतना सारा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद बड़ी ही मुस्तैदी से कमबैक किया और जीत ली। न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि जीत ली सीरीज, और इस सीरीज के साथ ही एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई अच्छा नहीं था। और इस जीत के बाद बाबर आजम का लेवल और ऊपर चला गया है। वे ODI की रैंकिंग में ऊपर थे और अब जो उन पर क्रिटिसिज्म इतना हो रहा था तरह तरह का, उन सब का जवाब मिल गया। तो देखते हैं यहाँ पाकिस्तानी मीडिया में कैसा रिएक्शन है इस जीत पर। और IPL की बात करें तो 171 के जवाब में 172 का पीछा कर रही है DC 3 विकेट खोकर। उस पर भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा अंत में। पहले सुनते हैं रिजवान हैदर मोहसिन अली साहब की। थी और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने ही हमेशा तबाही मचाई, चाहे उधर जाके खेलें या इधर आके खेलें। इधर से मतलब UAE वगैरह में हो रहे थे मैचेस पाकिस्तान में, बहुत सालों के बाद सीरीज हुई है। तो जब कोई बी टीम या सी टीम भेजे तो अगर पाकिस्तान इस तरह उनको रौंद के और एक एम्बैरसिंग डिफीट रादर यू वुड से इन्फ्लिक्ट करेगा, तो फिर दूसरी टीमें भी कहीं ना कहीं सोचेंगी कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ हमने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ही भेजना है, जैसे उन्होंने अभी टेस्ट में भेजा और उनको पता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के क्रूशियल पॉइंट्स हैं, तो उन्होंने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड भेजा और अल्टीमेटली दे वर द विनर्स। और अभी उन्होंने कंप्रोमाइज किया अपना ODI का स्क्वाड, इसके बावजूद वो पहला मैच बड़े धड़ल्ले से जीते। लेकिन वी नो, और हमने पहले भी आपको बताया था, प्ले टू प्ले कंपैरिजन भी कर लिया जाए तो उनकी टीम में वो दमखम नहीं है और पाकिस्तान को बआसानी ये सीरीज जीतनी चाहिए। एनीवेज अगला मैच जो दूसरा था वो आपने देखा, रिकॉर्ड चेस किया पाकिस्तान ने और आज फिर नजर आया कि जी उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग तीनों चारों जितने खेल के डिपार्टमेंट है, कैच भी छोड़ा कर बाबर आजम का लकीरा, तो पाकिस्तान दे आर गुड फॉर देम और वन साइडेड मैच जीता है, सिर्फ भी अपने नाम किया। बाबर आजम ऊपर नीचे सो, कल भी सो, आज भी सो, कल से मुराद पिछले मैच में। अगर वो 20-25 इमाम तो कह रहा होगा यार इन्होंने कोई 25-30 रन और कर लेते तो शायद उसका भी सो आ जाता और सीरीज का तीसरा सौ, तो वो तो दिल ही दिल में कह रहा होगा कि ये क्यों मतलब शाहीन ने और हारिस रऊफ ने नहीं तो हाइपरटेंशन किसी ने डाइस को क्यों नहीं, नहीं अगर बाबर आजम सो कर सकता सी ते इमाम कर लंदा ना सो और ही फेस्ड भाईजान ओपनर सी मोर बॉल्स एट द एंड ऑफ द डे, बाबर फेस्ड मोर बॉल्स, वो आखिरी गेंद सिंगल ला लंदा रिजवान साहब कर अगर तुसी करण ते आंदे। पाकिस्तान ने 2002 के बाद अच्छी विक्ट्री ली है, टेस्ट में भी अगर ये थोड़ी इंटेंट देखे, इससे प्रूव क्या होता है, अगर आप इंटेंट दिखाएं, ग्रिट दिखाएं, डिजायर दिखाएं, हंगर दिखाएं, और अगर ये काम पहले हो जाता ना रिजवान, ये हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस टेस्ट सीरीज से पहले आ जाती तो यकीन करें ये टेस्ट में भी इससे भी ज्यादा अच्छा खेल रहे होते। तो बात फिर वही है, देखो ये बी थी या सी थी, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। इट्स अ वंडरफुल विक्ट्री, आई विल एवरी डे टेक इट। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि बाबर आजम ने अब शायद अफरीदी को भी बता दिया होगा कि ले जनाब अब तो मैंने मैच भी खत्म कर दिया, कोई और हुक्म। 190 रन की बाबर और इमाम, और यू हैव टू एडमिट एंड आई आल्सो एडमिट एंड आई आल्सो अप्रिशिएट कि जिस तरह इमाम ने ये खेला है, हाँ, तीनों वनडे अच्छा क्लास के वनडे खेला है, कोई शक नहीं है कि ऐसा अगर वो खेले, मैं जनाब आपको चारों हाथों टांगों समेत जो है वो सलूट करूंगा। डिफर करते हैं, स्ट्रांगली डिफर भी करते हैं, लाइटली भी डिफर करते हैं। भाई आपका पॉइंट है कि जी बेन स्टोक्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, ओके फाइन। मेरा पॉइंट ये है कि ऑन फिट एंड फाइन एंड फोकस, तीन लफ्ज है, तीन है, फिट फाइन फोकस। अगर हार्दिक पांड्या है भाई, आज 140 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है,
भाईजान वो कप्तान बन के जो लोग कहते थे बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप देखें कप्तान बन के उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहां चला गया। भाईजान वो चौथे नंबर पे आता है, इनिंग्स को एंकर कर रहा है। भाईजान उसने आज नया बॉल शेयर किया और एक ओवर, पहले ओवर में दो रन सिर्फ, दूसरे ओवर में उसको थोड़े से 8-10 रन पड़ गए, लेकिन दो रन देके एक विकेट ले गया। भाईजान बात यह है कि जब हार्दिक पांड्या ऑन सॉन्ग होगा तो ये याद रखिए कोई भी इंडिया की टीम का ऑलराउंडर उसके नजदीक नहीं होगा। हाँ, इंडिया का नहीं होगा ये बात। अब मैं इंडिया की अभी बात कर रहा हूँ, जो इनको वेंकटेश अय्यर वर्ल्ड में देखो, अगर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जडेजा इज अ स्पिन ऑलराउंडर, शकीबुल हसन इज अ स्पिन बॉलर की बात से सुन ले, मैं वर्ल्ड में आ जाता हूँ, वर्ल्ड में भी अगर चार पांच में हार्दिक पांड्या 110% आएगा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में। हाँ, चार पांच में भी आता है, बात ठीक है आपकी, लेकिन प्रॉब्लम यार नंबर वन आप जिसको मर्जी कर रहे हैं, आई डोंट माइंड। अच्छा जी, मतेश करनी इस वक्त बेन स्टोक्स जब से वापस आया है, इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस छोड़ के आपके सामने ही है उसकी भी परफॉर्मेंसेस। मतेश क्या जी भाई, थोड़ा डांस तो बनता है जी ऑस्ट्रेलिया से, यार रमजान शुरू हो गया। तो दोस्तों ये है इनका रिएक्शन, आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। 6 विकेट खोकर 171 बनाकर 172 सेट किया गुजरात ने, क्रीज पर अभी बने हुए हैं ललित यादव और कप्तान ऋषभ पंत। देखेंगे किस तरफ जाता है ये मैच, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कुछ दिनों से अंतिम ओवर्स में कुछ भी हो जाता है। मिलेंगे मैच के बाद, इजाज़त, जय हिंद।